चिपक रहे हैं। हमारे रावत जी आप यहाँ पर बैठे हैं, ये रहे हमारे रावत जी, कैसे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपना किचन दिखाने जा रहा हूँ जहाँ मैं काम करता हूँ और अपने स्टाफ के साथ। आज मैं चिल्ली पनीर की फिलिंग बनाने जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए जो पिज्जा के ऊपर टॉपिंग किया जाता है। चिल्ली पनीर पिज्जा के ऊपर टॉपिंग करने के लिए आज चिल्ली पनीर पिज्जा का ऑर्डर आ रखा है। पनीर का छोटा छोटा पीस काट कर अच्छे से कॉर्नफ्लोर लगा के इसको तेल में तलने के लिए रखा जाता है। पनीर को डीप फ्राई के लिए डाल दिया दोस्तों। जब तक पनीर पक रहा है हम लोग वेजिटेबल को रेडी करते हैं। वेजिटेबल में हरी शिमला मिर्च और प्याज को काट के बारीक बारीक काट के ये फ्राई पैन लगाया दोस्तों। फ्राई पैन में तेल डाल के उसमें गार्लिक को अच्छे से तेल में ब्राउन होने दिया जाएगा। जब तक ये ब्राउन हो तब तक अच्छे से भूनते रहिए और उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस आपको बता रहे हैं। अब इसमें वेजिटेबल को ऐड कर दिया जाएगा। वेजिटेबल को मैंने पहले से काट के रखा हुआ था। वेजिटेबल में प्याज और शिमला मिर्च और ये ब्राउन गार्लिक के साथ अच्छे से भून के इसको अच्छे से टॉस कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताते रहेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, धन्यवाद। अब ये मसाले ऐड किया जाएंगे, इसमें जो भी मसाले हैं नमक मिर्ची सॉस वगैरह जो भी है सारे ऐड किया जाएंगे। उसके बाद आपको अच्छे से फिर मसाले डालने के बाद भी अच्छे से भुना जाएगा इसको। दोस्तों लगता है अब पकौड़े रेडी हो गए। पनीर के पकौड़े जो हमने छोटे छोटे काट के बनाए थे वो रेडी हो गए। अब इसमें ऐड किया जाएगा इसको अच्छे से टॉस करके और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से गैस की फ्लेम को बढ़ा के अच्छे से भुना जाएगा। भुनने के बाद ये सब रेडी हो जाएगा दोस्तों। कुछ को बाउल में खाली करके और पिज्ज़ा के ऊपर टॉपिंग किया जाएगा। ऐसे पिज्ज़ा के ऊपर रख के आराम से इसको ऐसे फैला के रखना होगा और उसके बाद आपको ऐसे ऊपर से चीज़ डालना होगा, मुजरला चीज़ पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए जो आता है उसको डाल के जैसे जाली के ऊपर रख के जिसमें पिज़्ज़ा को बनाया जाता है और इसको ओवन में डाल दिया जाएगा। अब पिज़्ज़ा रेडी होने के लिए तैयार है दोस्तों। तब तक आप लोगों को मैं बेकरी सेक्शन में लेके जाता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, इधर पेटीज बन के रेडी है। 350 पेटीज का ऑर्डर है आज और मशीन के अंदर पेटीज पक रहे हैं। ये संजय शेफ जिसको जो पेटीज बनाते हैं और ये ऊपर बेकरी सेक्शन का स्टाफ है और ये सोनू शेफ, ये रहे हमारे शंकर सेफ और भुवन सेफ। यहाँ पर ये लोग ड्राई केक का मटेरियल तैयार कर रहे हैं शायद। ये मशीन है जिसमें इसका मटेरियल तैयार किया जाता है और यहाँ पर बहुत अच्छे टेस्टी ड्राई केक बिस्किट और जो भी बेकरी का रोल्स वगैरह जो भी इधर बनते हैं, टोस्ट हो गया, ये सारा इधर ही बनते हैं दोस्तों। आप देख लीजिए ये ड्राई केक है, आप ड्राई केक की शाइनिंग देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है। और ये चॉकलेट फ्लेवर में ड्राई केक है। अब आपको केक पेस्ट्री सेक्शन में लेके जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये है बसंत सेफ, ये है पेस्ट्री सेक्शन। यहाँ अभी स्टाफ ब्रेक में गए हुए हैं शायद, अभी ऑर्डर नहीं है। यहाँ पर केक वगैरह बनाया जाता है, देखिए केक का कितना अच्छा शाइनिंग है। हे रहे हमारे रावत जी और मैनेजर साहब ऑफिस से निकलते हुए, और रजत भाई और सोनू सेफ यहाँ पर बैठे, ड्राइवर साहब नितिन भाई, और आप लोग देख लीजिए आपस में बातें कर रहे हैं। अभी गर्मी का सीज़न है, बहुत गर्मी हो रहा है, एसी के हवा ले रहे हैं और बिस्कुट को देख रहे हैं घूर घूर के। बिस्कुट का टेस्ट कैसा होगा सोच रहे होंगे, शायद बिस्किट के बारे में कोई डिस्कस कर रहे हैं। ये रहे हमारे रावत जी, कैसे हैं आप? और ये नितिन भाई, ये पेटीज बन के रेडी है दोस्तों। ये काउंटर में सजाने के लिए और कस्टमर को लुभाने के लिए रखे हुए हैं और ये बन भी रेडी हो गए, बन भी रखे हुए हैं। ये बन है और बन ब्रेड सारा इधर ही बनता है। आप देख लीजिए ये मैक्सिकन सैंडविच कितना अच्छा लग रहा है दोस्त देख के। थैंक यू दोस्त पूरा वीडियो देखने के लिए। आज पूरा वीडियो देख के वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी एक्टिविटीज़ आपको दिखाता हूँ। धन्यवाद।